दीपक वैसे आज डेड बॉडी बनने वाला था। सुबह पापा ने 5 बजे जाना है और मम्मी यही रुकने वाले हैं, तो मम्मी रिप्लाई करती है, सुना उठाते हैं लो बड़ी मुश्किलों से फिर। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग, जो कि हमने पिछला आधा छोड़ दिया था, अभी हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सो वंस अगेन वेलकम टू आवर व्लॉग, एंड आई होप आपको ये व्लॉग देख के बहुत मजा आएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत ज्यादा मस्ती करने वाले, क्योंकि जो असली बर्थडे सेलिब्रेशन है ना, वो तो अब शुरू होने वाली है। असली खबर तो बताते हैं, दीपक वैसे आज डेड बॉडी बनने वाला था। अरे मुझे तो अभी पता लगा, हमारा प्लान ये था कि दीपक ने, जैसे रजत को नहीं पता था कि दीपक ने क्या है, मैंने दीपक को कहा कि आप ना सड़क पर ले जाओ, दुश्मनी है क्यों, इसने इसने ये था प्लान किया हुआ नैना ने। क्या बोलते हैं दीपक भैया, बोलते जो वो तो ठीक है, मैं लेट तो जाऊंगा, पर अगर तुम्हारी गाड़ी से पहले ट्रक आ गया तो बट वो तो बारिश होगी, तो इन्होंने पता नहीं ऑन द स्पॉट प्लान चेंज किया, फिर ये लोग मेरे को मंदिर में ही खड़े हुए मिले। और पता क्या, मैं दीपक भैया बोलूं परक मोड़ो, ये छाता लेके खड़ी यूं यूं देख रहा हूं, परक मोड़ो। दीपक के पेरेंट्स ने तुम्हारी दोस्ती तोड़वा दी, कभी नहीं भेजेंगे तुम्हारे पास। नहीं, नहीं। जन्मों जन्मों का प्यार, तो ये मैंने नहीं, ये तेरा प्लान था। तुमने चिट्ठी बहुत है यार, एक दुखी कर दिया, सुबह से अंकल आंटी के भी काज तो फ्रंट सीट पे बैठने नहीं दिया मेरे को, मेरी जगह है, आपको तो क्या बैठनी देगी बेचारे, इनको भी नहीं बैठा, मतलब मेरी उधार की हो गई है, अंकल बेचारे चुपचाप बोलते हैं, ये खुद ही नहीं बैठते हैं, मैंने आपको ये खुद ही नहीं बैठते हैं, हमेशा बोल देते हैं नहीं मैं तो, ध्यान दो इधर, मैंने आपको बोला था गाड़ी में आके बैठा, अंकल आप मेरी दोस्त, क्योंकि पापा एक्सीडेंट के बाद से डर गए हैं। नहीं, मुझे अपनी परवरिश पे भरोसा है, नहीं नहीं कि अपने से सीनियर हो साथ में, ये कभी नहीं, उल्टा ये तो ये चाहती है कि फोन रिकॉर्ड करने से बचेगी, उल्टा ये और चाहती कि मैं पीछे बैठती, बट मैं नहीं, बट एक्चुअली हमको व्लॉग बनाना होता है ना, पर ये बहुत टलती है, ये सोचती है कोई आ जाता तो मैं पीछे जाती। यार मुझे आज बड़ा मन था कि अच्छे से तैयार होंगी, क्योंकि रजत जैसे आपको इतने टाइम से बोल रहा है पिक्चर्स लेनी है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी किस्मत देखो पिंपल आ गया, और ना जब भी कोई फंक्शन होता है ना ऐसा, तो जरूर होता है मुझे कि कोई पिंपल निकल आता है, बट टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आज मैं करूंगी मेकअप, और ओकेजनली तो मेकअप चलता ही है, बस हमको ये टेंशन रहती है कि हार्मफुल केमिकल्स हो गए, इसलिए मैं यूज करूंगी ममाअर्थ का ग्लो सीरम फाउंडेशन और ग्लो ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट, जो कि बहुत ही अच्छा है, ना ही उसमें हार्मफुल कोई केमिकल्स है ना टॉक्सिन। So let's get ready. It is crafted with the goodness of vitamin C and turmeric, और ये compact of foundation आपको perfect coverage देता है, उसके साथ साथ एकदम 2x glow दे देता है, तो instantly ready होने के लिए और क्या चाहिए आपको? इसमें 7 shades आते हैं, जो कि सभी dermatologically tested हैं। अब अपने makeup को एक final touch देने के लिए मैं use कर रही हूँ ममाअर्थ का glow oil control compact। ये compact talc free formula and easily blendable है with SPF 30। इससे आपको matte finish तो मिलेगा ही, but वो भी 12 long hours के लिए, और आपको ये भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि डेली कैसे यूज करें, बिकॉज इट इज मेड सेफ सर्टिफाइड, विच इज अ प्रूफ ऑफ नो केमिकल्स एंड टॉक्सिन्स। दिस प्रोडक्ट कम्स इन 4 शेड्स। कॉम्पैक्ट और फाउंडेशन दो ऐसी चीजें हैं जो बेस मेकअप के लिए एकदम परफेक्ट चीजें हैं, एकदम लाइट वेट है, और सबसे जरूरी क्लिनिकली टेस्टेड है, एंड यस इट इज सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। तो ममाअर्थ के प्रोडक्ट्स की गुडनेस तो मैंने आपको बताई दी, और प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव में आपको हर बार बताती हूँ, इस बार भी बता देती हूँ, इट इज एन इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय ममाअर्थ, जिसमें जब भी आप ममाअर्थ.in से अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो आपके ऑर्डर को एक ट्री के साथ लिंक कर देंगे, और इतना ही नहीं 2025 तक वो एम कर रहे हैं 1 मिलियन ट्रीज को प्लांट करने का, और ममाअर्थ की ऑफिशियल ऐप भी आ चुकी है, जिसका iOS और एंड्रॉइड लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप इसे वहां से चेक कर सकते हैं, और अगर आपको ये प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं तो आप इसे Amazon, Flipkart या Nykaa से भी ले सकते हैं, एंड इफ यू परचेज देम फ्रॉम ममाअर्थ.in या फिर ममाअर्थ की ऑफिशियल ऐप से यूजिंग माई कूपन कोड विच इज Jyotika2022, तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। सो गाइस अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, और अभी आपको दिखाती हूँ मैं बर्थडे बॉय, तो चलो फटाफट चलते हैं और केक कटिंग भी करते हैं, आ जाओ। ओहो, बर्थडे बॉय आ चुका है, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है केक काटने की, ज्यादा एक्साइटमेंट है, जबरदस्ती पहना है, कितना अच्छा लग रहा है,
एक्चुअली ना जब मैंने पूरा लुक डिजाइन किया है तो इसने ना मुझे शॉपिंग ही नहीं करने दी थी. मुझे लगा यार ये शॉपिंग को रोकती तो नहीं मुझे, बट फिर मुझे आज पता लग रहा है कि इसने मेरे लिए काफी कुछ ऑर्डर किया था, इसमें से एक ये है. तो इसने मुझे जबरदस्ती बोला कि यही पहन आज. यार एक खुद ही खाना पड़ेगा क्योंकि इतने लोग हैं. शिवानी मुझे खिला रहा पहले. कोई बात तुम और मैं अरे पहले बात का कुछ नहीं होता, सबको मिल रहा है ना. और क्या दीपक ये भी ले तू यार. पता है और ये हर बार ना इतना कर देते हैं बर्थडे पे और हम कुछ भी नहीं कर पाते. थोड़ा सा कुछ लिया है. अरे ये क्या लेना पड़ेगा, साथ में लिया है. ओह माय गॉड रजत नहीं, ये दोनों की तरफ से अंकल नहीं 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 पड़ेगा. पता क्या खुद थोड़ी मिलेगा. तो यार हम हमेशा ही लेते रहे, हम अब इनके आशीर्वाद से हम मुश्किल से जिंदगी में कमाना शुरू हुए तो हमारा बनता नहीं है. थोड़ा सा और आशीर्वाद मिल जाएगा तो थोड़ा और कमा लेंगे. और ज्यादा फलो फलो गिफ्ट में गिफ्ट मिल रहे मुझे. थैंक यू. ये आपका नहीं नहीं कोई नहीं, ये मम्मी को भी तो नया कुछ चाहिए ना. ये मम्मी तो देखो चमकती रहती है हमेशा. ये सेम है वैसे आप. ट्राई किया एक गिफ्ट अभी ऑनलाइन अभी आया नहीं, डिलीवर नहीं हुआ है. और जब तुम देखोगे ना तब लगेगा. बता कोई सोच लड़ना जाए ये मुझे अच्छा लगा. ये मुझे दे, ये मेरे वाला. एक्चुअली पता क्या बात थी, दोनों के गिफ्ट की रैपिंग सेम थी तो मुझे लगा कि इधर अदला बदली तो नहीं होगी, इसलिए मैंने कहा कि खोल के रख दो इसको. यार कितना सही है, लिटरली ऑसम. ये मुझे अच्छा लगा यार, पापा को नहीं पसंद तो मैं ले लूंगा. ऑसम यार, तैयारी होगी आंटी. ये बहुत सुंदर ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन. पहनने वाले बस हो गया. हम तो सारे लाएंगे. वैसे भी जब हम छोटे छोटे थे ना सबकी एक ख्वाहिश होती थी कि काश भगवान ऐसा दिन आए कि हम अपने मम्मी पापा के लिए ये खरीदे वो खरीदे, उनको यहाँ घुमाए वहाँ घुमाए. तो भगवान की कृपा से अगर ये दिन आए तो हम इनको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं और आप सब लोगों को थैंक यू कहना चाहते हैं जिनकी वजह से हम ये सब चीजें सेलिब्रेट कर पा रहे हैं. थैंक यू सो मच. जब हम मनाली में थे ना तो शिवाजी ने स्पेशल डांस परफॉर्मेंस दी थी और उसमें क्या किया था जो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, उन्होंने अपनी मम्मी की एक्टिंग की थी और आज शिवानी विथ मम्मी. नहीं नहीं अकेले से मम्मी अप्रूव करेंगे सही है कि नहीं है. आंटी आपने स्कोर देना है तभी तो पता चलेगा कि शिवानी और आंटी सेम सेम करते हैं या नहीं करते. तो अभी हम चेंज करके एकदम रिलैक्स हो चुके हैं क्योंकि अब करेंगे हम डांस पार्टी. और ये आपको बता दूं जो मैंने नाइट सूट पहना है रजत के बर्थडे पे मेरे लिए भी गिफ्ट आया है. शिवानी मेरे लिए ये नाइट सूट लेके आया है और तो ये देखिए कि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं. जैसे जब भी कभी जाना जैसे स्कूल जाना पड़ता था ना इनको लेने, तो जैसे सबकी मम्मी होती है ना ऐसी होनी चाहिए आप भी. मैंने कहा क्यों ऐसे ना, जब मैं मतलब बड़ी हो जाऊंगी ना, जब मेरी शादी होगी ना आप बुढ़े नहीं होने चाहिए तब. क्यों शादी सही बात बताओ, कोई मेरी ख्वाहिश गलत थी? और देखो मेरी मम्मी इतनी ऑबिडियंट है, मेरी बात अच्छे से सुनी, अभी तक बुढ़ी नहीं हो रहे. मेरा जो हेल्प करूंगा जो कुछ करना है ना, क्योंकि मैंने मना कर रही है कैमरा ले जाने को और अंकल बोल रहे कैमरा लेकर जाएंगे. मैं भी यही चाह रहा हूँ एक्चुअली. पापा बोलते हैं कैमरा हम लेकर जाएंगे और अच्छी अच्छी पिक्चर्स लेंगे. नया प्रोडक्ट लाया रजत ने, एग्जैक्ट यूज मार्केट में. कैमरे के चक्कर में तो आया हूँ ट्रैवल किया है इतनी गंदी बस में. चलो फिर चलो चलो. ये वही जगह है जहाँ हमने एक बार पिकनिक में आने वाले थे और हाँ। बर्फ से कवर्ड. एग्जैक्टली पहचान लिया आपने भी. हाँ। अंकल को भी बीच में छूट गया था. मैं आंटी को कह रही थी आंटी याद आया ना बर्फ के गोले का हमारे. देखो तुम अकेले आ रहे थे ना तो भगवान ने सोचा
सब साथ में होने चाहिए थे, तभी वहाँ से आके और मम्मी पापा साथ में क्या लाए हैं? अंकल की पसंद, अंकल मिली कहाँ से आपको ये? मम्मी ने भर भर करके लाए, ये एक खीरा खत्म हो रहा है, ये एक खीरा एक किलो बराबर है, मारा जा सकता है ना, तुम्हारी पिटाई करती हूँ करो युद्ध। रजत एक बार सबको व्यू तो दिखाओ, मैं तो नहीं दिखा पाऊंगी इतना अच्छे से। तो बस हम ओए पीछे देख रजत, ये क्या हो रहा है? ये कौन? आप रजत को विश करने इतने दूर क्यों आ गए? हैप्पी बर्थडे टू यू, पहले दिख जाए मुझे, ठीक है ना? हाँ हाँ बच गए, फोटो लेकर देखते हैं। हाँ हाँ बच गए। मैं भी ऐसे घूमने आया, संस्कारी कोच साहब। देखो मम्मी, इनकी वजह से हम शेप में आ रहे हैं। ऐसे ट्रेनर आपको कहीं जिंदगी में मिलेंगे जो आपको कहीं भी जाओ तो खाने का आपका गेज करने के लिए पहुंच जाते हैं, कुछ गलत तो नहीं खा रहे हैं। सो गाइस, हम आपको इनकी स्टर्लिंग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इनको वहां से फॉलो कर सकते हैं। चलो हम खूब यहां पे मस्ती करेंगे, नाच गाना करेंगे, वैसे माहौल तो बन चुका है। शिवानी स्पीकर लेके इतनी देर से खड़े हैं। लगती कमाल सोनी वे, तेरी सोनी है बलिए, खीरे वाली बलिए। बच्चन साहब को बाबा कट टू कट कॉपी करना चाह रहे हैं। सब हसीनों से खूबसूरत है, खूबसूरत हसीना, यहाँ बंदर बिदक चुके हैं। हमने इतना डांस किया कि हम पानी हो चुके हैं, तो अब सोच रहे वापस जाते हैं। और वापस जाने का मेन रीजन पता क्या है? पापा के फोन में सिग्नल नहीं आ रहा, इसलिए पापा बार बार कह रहे चलो 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 चलते, तो इसलिए पापा नहीं जाते हुए हमको फेवरेट परफॉर्मेंस दिया है और हम वापस चलते हैं। सो गाइस, आज हमने बहुत ज्यादा मजा किया एंड आई होप आपको देखने में भी उतना ही मजा आया होगा। और रजत, इतना मजा किया कि तुम ये बताओ पहले, सरप्राइज बहुत बढ़िया लगा, वो तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, बट इतने सरप्राइज थे आज की, आज का बर्थडे मुझे हमेशा याद रहेगा। और मुझे इतने सारे गिफ्ट्स यार, पहले मैं इतनी छोटी यहाँ पे आऊँ तुम। मुझे इतने सारे गिफ्ट्स मिले हैं, अभी वो भी खोलने होंगे। हाँ, वो भी खोलने हैं। और इतने मजे किए हमने, ये तो हमारा ऐसे रैंडमली बन गया, ये जगह हमने एक बार फेल्ड अटेम्प्ट किया यहाँ का, बट मुझे आज पता था कि होटल के पास में ये जगह है और इसने सब कुछ प्लान करके रखा था, प्रॉपर प्लान। और आज पहली बार ऐसा हुआ कि नैना के प्लान्स में मैंने बीच में घुस के उनको पंक्चर नहीं किया, इसलिए एकदम देखो कट टू कट चला सब कुछ। और भगवान थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच की बारिश नहीं हुई। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को उतना मजा आया होगा देखने के लिए, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, बहुत सारा लाइक करें, और शेयर तो खैर उससे ही ज्यादा करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। और हम मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, सब रस्मों से बड़ी है दिल की उड़ के, तुझे जमीन पे उतारा गया हूँ मेरे लिए, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं। ओहो सुबह पापा ने 5 बजे जाना है और मम्मी यही रुकने वाले हैं, तो मम्मी रिप्लाई करती है सुना उठाते हैं लो, बड़ी मुश्किलों से फिर जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग, क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता।
नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। प्यार जिंदगी में नैना बिल्कुल मम्मी की तरह कर रही है। कलयुग में किसी को ऐसी बहू मिल जाए तो वो खुश नसीब है जो अपने जो अपनी सास के पच्चीनों पे चले। वाह मैं वहां भी डांस वाले स्टेप डांस डांस के तरीके में मम्मी की तरह कर दे ये जाएगी बाहर झूमने लगेगा ये जहां भीगी भीगी रात में। क्यों पापा है वहां खड़ा हो यार देख लो।